हम सच दिखाते हैं, हम सच दिखाएंगे, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चाहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अपर मुख्य सचिव सिविल सर्जन डीपीएम और इस विभाग में और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह जी हो, आप सबको एक खुली चुनौती है कि अगर आप वास्तव में ईमानदार हैं तो सच का साथ दीजिए और उन दोगले और दोहरे चरित्र वाले भ्रष्ट पदाधिकारी पर ठोस कार्रवाई करिए, अन्यथा 60 साल के बाद आप भी रिटायर होंगे और आपकी चल अचल संपत्ति बाद में भी छीनी जा सकती है, जैसे आज लालू यादव बार बार जेल जा रहे चारा घोटाला में। आप भी बच नहीं, आप भी बचेंगे नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 60 साल के बाद जो आका जिसके दम पे आज कूद रहे हैं, हो सकता है वो मंत्री ना रहे, हो सकता है वो मुख्यमंत्री ना रहे, लेकिन हमारे जैसे पत्रकार रहेंगे ही रहेंगे। और आपकी ये गंदी सोच, बिहार के लूटने वाली सोच को हम बेनकाब करते रहेंगे। उर्मिला इन्वर्टर को कौन नहीं जानता, बिहार में लोगों को रोजगार देने के नाम पे, कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम पे उर्मिला इन्वर्टर का कुमार अविनाश जिस तरह का खेल खेल रहा है, कर्मचारियों का शोषण कर रहा है, जिस तरीके से वेतन के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे और जो धन मिलता है राज्य स्वास्थ्य समिति से, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये लीगल नोटिस भेजते हैं, हम डरने वाले लोग नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, सच लिखा है, आपको जेल भेज के रहेंगे, बिहार को लूटने वाले लोगों को सलाख होकर पीछे ढकेलेंगे। और शायद नीतीश कुमार का यह सपना है कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, सिर्फ शराब से मुक्ति मिलने से बिहार की प्रगति तरक्की उन्नति नहीं हो सकती। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको समझना होगा कि आपके विश्वास का कत्ल किस प्रकार से ये स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, किस प्रकार से लूटा जा रहा है। आपने कहा, दावा किया कि हम हॉस्पिटल ले आएंगे 5 घंटा में, बिहार के किसी भी जिला से आप उठा चढ़ाने की बात करते हैं, शहर पहुंचाने की बात करते हैं, इतनी बढ़िया सड़क व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन 102 एम्बुलेंस के जो हमारे ड्राइवर है और उसके EMT जो पारा मेडिकल स्टाफ है, उनका साथ जो शोषण हो रहा है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलते। इस पूरे के कोरोना काल में अगर वास्तव में किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पूरा ताकत लगाया था, तो निश्चित तौर पे 102 एम्बुलेंस को बधाई देना चाहिए, लेकिन उन कर्मचारियों को मिलता है महज 8,000 रुपए, लेकिन सरकार उन ड्राइवर को देने के लिए, उस पारा मेडिकल को स्टाफ को देने के लिए एक बड़ा राशि मुहैया कराता है PDPL और सम्मान फाउंडेशन को। ये सब के सब बिहार को लूट रहे हैं, इनका भ्रष्टाचार का आतंक इतना बढ़ गया है कि जब आप मजबूती से सोचेंगे तो आपकी स्थिति पर आपको लगेगा, तरस आएगा इस बिहार पे कि कैसे पथभ्रष्ट और कैसे दोहरे चरित्र वाले लोग विभाग के पदाधिकारी और मंत्री हैं और मुख्यमंत्री। पहचानिए इस शख्स को, इसके बहुत से ऐसे ऐसे शुभचिंतक हैं जो वरिष्ठ अधिकारी है, IAS है। यह क्यों करेगा, यह क्यों डरेगा, इस बात को आपको समझना होगा। जब इसके सलाहकार कई IAS हो और सरकार के पास इतनी सूचनाएं जाने के बाद, इतने खबर छपने के बाद भी सरकार के अंदर संज्ञान में नहीं है, तो आप इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं, यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी। हमने दिखाया सुशासन सरकार में बेशर्म अधिकारी का खेल, यह सारी खबरें लिखी गई, सारे खबरें लिखी जा रही है, बार बार लिखा जा रहा है, बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से बिहार में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। ये एक एक रुपए हर व्यक्ति के जीवन की, 90% कमाई का खर्च जो है वह स्वास्थ्य विभाग पे है, स्वास्थ्य है। आदमी खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए जिस तरीके से वह अपने कमाई का 90% राशि स्वास्थ्य पे खर्च कर देता है, इसके बाद भी उसके हाथ आती है मौत। और सरकार एक तरफ दांत ठोके करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि PMCH हो, NMCH हो, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज हो, कई सारे कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, लेकिन आप भ्रष्टाचार का आलम यही समझिए कि वहां पे अगर आपको एक्सरे कराना हो, अल्ट्रासाउंड कराना हो, CT स्कैन कराना हो, तो 6-6 महीने साल साल भर का लाइन लगता है। वैसे स्थिति में स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार है, अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए करा रहा है, लेकिन कौन सुध लेगा, कौन जानकारी लेगा, कैसे कार्रवाई होगी। अभी हमने आपको एक और आपको हम दिखा रहे हैं।